एपिसोड नंबर 493 में। तो कैसे हैं सब? बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो यस, कल का बापूजी का लाइव मेडिटेशन का टाइम में हम जो बापूजी का क्लास रखा था, बहुत ही बढ़िया रहा। करीबन 780 लोग आए थे, लाइव प्रोग्राम में जुड़े थे, और बाद में तो देखते देखते अभी तो 3,500 लोग देख चुके हैं। काफ़ी अच्छे व्यूज़ और लाइक भी मिले हैं। तो आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है। फिर से हमारी वही बुक मार्कंडेय पुराण से हम बात करने वाले हैं, और आज की जो कहानी है, रोच मनु की उत्पत्ति की कथा, ये हाँ रोच मनु की उत्पत्ति की कथा, ये इस कहानी का यस। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ, ताकि इसको सुनने के बाद आप ए क्लास को पूरा सुनेंगे। तो इसमें है ये कि पितृ जो है, पितृ मतलब जैसे हमारे दादा परदादा, हमारे एंसेस्टर जो कि शरीर छोड़ के जा चुके हैं, जो पुरुलोक में रहते हैं, जो चंद्रलोक में रहते हैं, जो ऊपर की दुनिया में रहते हैं अभी, उनके बारे में यहाँ बताया गया कि वो कहाँ कैसे किस तरीके से रहते हैं वो भी बताया, वो क्या कार्य करते हैं वो भी बताया, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते वो भी बताया। और अभी हमने ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी थी, मैंने इसी पेज की भेजी थी रोच मनु की उत्पत्ति की कथा के बारे में, तो उसमें मस्त बात लिखी कि जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं। देखो गजब की बात है, जो पूर्वज जो हाँ इसको पूर्वज कहें, तो लिखा कि जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं, जो समस्त कलेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु है, तथा योगी योगेश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं। अच्छा, उसमें लिखा है आगे, जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं। देखो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कल ही जो बात हुई है उससे रिलेटेड ये बात आ रही है। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडलों में तथा श्वेत विमान में सदा निवास करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ थी, श्वेत विमान में निवास करते हैं। तो देखो श्वेत विमान की बात जो है आज तक हमने कोई जगह पे नहीं पढ़ी, परंतु ये आपको पता ही है, ये तो ब्रह्मा के पहले परार्थ में बताई गई बात है। और इसमें देखिए, ये मैंने हाईलाइट भी किया है, जो लोग ग्रुप में नहीं है ये अंडरलाइन है, इसको ज़रा देखिए, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िए, मैंने IMP लिखा है यहाँ पे। तो इसका कारण ये क्या है कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पितृ जो पूर्वज है वो कहाँ रहते हैं, और यहाँ पे जो बात हुई ये विमान में निवास करते हैं। ये देखो, ये अंडरलाइन मैंने किया, ये देखो। तो ये फोटो मैंने ग्रुप में डाला था, एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की ये जो पूरी स्टोरी है ये पूर्वजों के ऊपर है, पितृओं के ऊपर है कि पितृ क्या कर सकते हैं, पितृ क्या नहीं कर सकते हैं, और पितृ फोर्सफुली अपने जो जीवित अभी जो वंश उसका चल रहा है उसको फोर्सफुली कह रहे हैं कि भाई तुम आगे अपना शादीवादी करो और आगे जनरेशन बढ़ाओ ताकि हम लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो उनमें भी उनका स्वार्थ होता है, वो पितृ भी जब जन्म लेना चाहते हैं तो धरती पे उनको भी घर चाहिए, उनको भी अपने ही खानदान में आना सबसे पहले वो पसंद करते हैं, अपने ही, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टियाँ बना के गए हैं तो फिर भोगने के लिए भी तो आएंगे ना वापिस, तो उनको तो कोई घर चाहिए। तो वो अपने जो बचे हुए हैं उसको बता रहे हैं, अंश को बता रहे हैं कि भाई तुम शादीवादी करो और हम आएंगे फिर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर पूरी सुननी चाहिए, जो लोग नए हैं इसको ज़रूर सुने, बहुत ही मज़ा आएगा, बने रहिए। थोड़ा सा पार्ट बीच में इरिलेवेंट लग सकता है, परंतु ये स्टोरी पूरी कनेक्टेड है। तो पेज इसके अंदर 4 से 5 पेज है, आशा रखता हूँ अगर हम जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं तो आज ही इसको ख़त्म करेंगे, अदरवाइज शायद कल भी 10 मिनट और लग सकते हैं। तो आज का जो टाइटल है, रोच मनु की उत्पत्ति की कथा, ठीक है? तो यहाँ मनु की उत्पत्ति की कथा है, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल सभी बेहद की आत्माओं ने बहुत ही अच्छे कमेंट लिखे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद।
तो चलिए रेडी हो जाइए, चलिए बेहद की परमा शांति। अब मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने अपने लिए घर ही बना रखा था। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने लिए घर भी नहीं बनाया था और जिसने अपने घर में अग्नि भी नहीं की थी। वे एक बार भोजन करते हैं और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मनोवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है। तो मार्कंडेय जी बता रहे हैं, ये इन व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अकेले रहते थे, आश्रम में रहते थे, सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त थे एवं मुनि वृत्ति से रहते थे, मतलब साधु संत टाइप बन के वो रहते थे। तो उनके पितरों ने उनसे आके कहा, पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म है। तो उस वक्त के लिए मतलब गृहस्थ आश्रम को बहुत बड़ा आश्रम माना जाता था, वो आज भी है। तो उस वक्त उनको कहा कि शादी करना एक पुण्य कर्म है। अब पुण्य कर्म क्यों है वो हम आगे देखते देखते जाएंगे, ठीक है। तो बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। उनको पूछते हैं पितृ कि भाई तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितर ऋषियों तथा अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। तो देखो यहाँ पे एक सामान्य मनुष्य भी जो घर संसार में रहता है वो भी पुण्यमय लोकों का मतलब उच्च लोकों को वो प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। तो ये पितरों ने इस मुनि को कहा। अब वो मुनि बूढ़ा हो चुका था तो भी पितरों ने आके उसको कहा कि भाई तू जाके शादी कर। अब पितृ ये क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि कोई भी अपने कुल को ख़त्म करना नहीं चाहता है। वो पितृ चाहते हैं कि हमारा कुल आगे बढ़ता रहे ताकि हम भी बार बार जन्म लेते रहें, हम भी धरती लोक का सुख भोगे, हमने धरती पे जो मेहनत की है, क्योंकि सभी तो आसक्तियों से रहित नहीं होते, तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि हमारी जनरेशन चलती रहे। तो रुचि ने कहा, अब उनका नाम जो था वो था रुचि। तो रुचि ने कहा पितृगण, मतलब उसके पूर्वज थे तो इसीलिए उनको पितृगण कहा, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया, मतलब मैंने शादी नहीं की। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्मसंयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधन नहीं होता। ममता रूपी कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पक्ष में सने हुए आत्मा का संधासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। हिंदी थोड़ी भारी है लेकिन थोड़ा समझने का ट्राई करना, मेरे को जितना समझ आएगा मैं बोलूँगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिख देना। अब पितर ने बोला, तो भाई ये रुचि कह रहे कि भाई मुझे संन्यास में रह के ही अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो आत्मा की सद्गति करनी है, वो उन्होंने कहा। पितृ बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, मतलब आत्मा का कल्याण करना ये तो अच्छी बात है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। तो ठीक है,
किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। क्या कहा? अशुभ कर्म कैसे दूर होता है? किंतु फल इच्छा रहित दान करना, मतलब इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना दान करना शुभाशुभ के उपभोग से, शुभाशुभ कर्म करने से पूर्वकृत पुराने अशुभ कर्म दूर होते हैं। अब देखो, पितृ ये भी चाहते हैं कि उस वक्त की बात है कि वो संसार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संसार में संसार को वो आगे इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि देखो आप अजंटा इलोरा के अंदर जो भी सेक्सुअल जितनी भी फ़ोटो बनी हुई है, जहाँ पर भी मंदिरों के बाहर ये सब चीज़ें देखते हैं, तो इसको एक पवित्र कर्म माना जाता था पूर्व समय के अंदर, और मनुष्य को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी, तो इसलिए इनको समझाने के लिए ये फ़ोटो बनाए गए, आर्ट पिक्चर बनाए गए, ताकि लोगों को पता चले कि जनरेशन कैसे बढ़ानी है और आगे मनुष्य जाति कैसे आगे बढ़ानी है। तो पितृ भी चाहते थे कि हमारे खानदान आगे बढ़े। तो जितेंद्र विद्वानों को चाहते हैं कि अनेक जन्मों द्वारा संचित कर, सॉरी कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा कि अपने पुराने अशुभ कर्म को खत्म करने के लिए तुम्हें फल इच्छा से रहित दान करना चाहिए और शुभ और शुभाशुभ उपभोग कर्म करने चाहिए। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वो बंधन कारक नहीं होता। अब ये बात यहाँ पे बहुत बड़ी है कि क्या बोला, इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है, मतलब मन में दया आई और हमने वो कर्म किया, वो बंधन कारक नहीं होता। यह यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर एक दिन हम फिर से चर्चा करेंगे। उसके आगे लिखा है, फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। और क्या कहा? फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। तो वही कामना इच्छा के बिना हम कर्म करें तो वो बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। क्या कहा? पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। मतलब आज जो हम अच्छा या बुरा कर्म भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों के कर्म के अधीन है, ये बता रहे हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। तो बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पे। अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। तो अविवेक कब आएगा? जब आप आत्मा स्वरूप में रहेंगे और आत्मा का प्रक्षालन, मतलब प्रक्षालन मुझे लगता है कल्याण को ही प्रक्षालन कहते हैं, तो आप बंधनों से रक्षा करते हैं। क्या? ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। अब रुचि ने पूछा पितृओं से, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? देखो, जैसे अर्जुन ने कहा था कि क्यों ना मैं साधु संत बन के वहाँ चला जाऊँ, साधु बन जाऊँ, मुझे युद्ध नहीं करना। अब यहाँ रुचि अपने पितृओं से कह रहे हैं, अच्छा धुलाई, प्रक्षालन मतलब धुलाई। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा शब्द था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो उस लाइन में ऐसा लिखा था कि इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करके, ठीक है, उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ से नहीं फंसते। रुचि ने पूछा, पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हैं? तो रुचि कह रहा है कि भाई, मैं अच्छी तरह आत्मा का कल्याण कर रहा हूँ, मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो भाई मैं इस मार्ग पे चलूँ, मैं गृहस्थ क्यों बनूँ? तो पितर बोले, वह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है। इसमें अविद्या का मतलब जरा लिखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ।
यह सत्य है कि कर्मों को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसमें तनिक भी मिथ्या मतलब झूठ नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। यस, अविद्या मतलब अज्ञान। अच्छा, यह सत्य है कि कर्म को अज्ञान ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। अविद्या का मतलब कुछ और निकलता होगा, इसलिए शायद मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपको पूछा। इस लाइन को फिर से सुनो और फिर इसको लिखना अगर आपको पता है तो, कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। ठीक है, विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधो गति में ले जाने वाला है। वच, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ। यस, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहीन कर्म के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। देखो, अभी पितरों ने उसको अच्छी तरह बोला कि तू शास्त्र विहित कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, तुम पाप कमा रहे हो, इसी कारण पाप से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा सोधे हुए विषय की भांति मनुष्य का उपकार करने वाला ही होता है। मतलब विधि पूर्वक कर्म किया जाए धर्म में रह के, तो वो आत्मा का उपकार करने वाला होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। तो पितरों को मुक्त कराने के लिए, उनको मुक्ति कराने के लिए इनके ऊपर फोर्स डाला जा रहा है कि भाई तुम ये काम छोड़ो और इस काम में लगो। ठीक है, तो हम भी बंधन से मुक्त होंगे। यस, अविद्या मतलब मिथ्या और विपरीत ज्ञान। ठीक है, तो अब समझ में आ रही है बात, तो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे विपरीत यह विद्या भी विधि के अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः इसलिए वत्स तुम विधिपूर्वक स्त्री संग्रह करो मतलब तुम विधिपूर्वक शादी करो। ऐसा न हो कि इस लोक का नया पेज, देखो यहाँ फोटो भी बहुत बढ़िया बनाई है पितरों की, जरा देखो यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, बादल में बैठे हुए हैं। तो लिखा है कि ऐसा न हो कि इस लोक तू ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। तो उसको बेचारे को डरा रहे हैं कि तेरा जन्म निष्फल ना हो जाए, इसीलिए तू विधि पूर्वक ये कार्य करो। रुचि ने कहा, पितरों अब तो मैं बूढ़ा हो गया। अब वो जो रुचि थे, रुचि मुनि जो नाम था उनका, रुचि मुनि, वो कह रहे पितर को कि भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझको कौन स्त्री देगा, अब मैं शादी करने जाऊँगा तो मुझे बुढ़ापे में स्त्री कौन देगा। उसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्रियों को रखना बहुत कठिन कार्य है। तो इसके सिवा, मतलब वो खुद दरिद्र था, गरीब था, तो उसने कहा कि भाई मुझे स्त्री को रखना मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। तो पितर ने क्या बोला, बस यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारा भी अधोगति होगा। तो पितर ने खुलेआम धमकी दे दी ऋषि को कि भाई तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारा तो पतन होगा और तुम्हारा भी अधोगति होगा। मतलब वो भी बेचारे को चैन से जीने नहीं देंगे पितर, ये इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि भाई हम तो धरती लोक में नहीं आ पाएंगे लेकिन तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देंगे। तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ, ये कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। मतलब वहाँ जो है पितर जो है अदृश्य हो गए, ये बात रुचि को बोल के चले गए। पितर की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न था, बेचारा बहुत टेंशन में आ गया। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगा। ठीक है,
वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दिग्ध हो रहे थे। मतलब उनके जो उनकी शब्द सुन के पितर के सुन के अग्नि में जल रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। चिंता तो होगी, अब बुढ़ापे में कहाँ से मिलेगी औरत तुम्हें। इनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करूं। अब देखो ब्रह्मा जी की ऋषि मुनि ने आराधना की, उसका एक फोटो यहाँ पे बताया हुआ है। तो पितृ जी जो है पितृ को छोड़ के उन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या की, क्योंकि अल्टीमेटली उस वक्त भी लोगों को ये पता था कि ब्रह्मा जी के पास कोई ना कोई तो हल मिलेगा। ऐसा निश्चय करते ही उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। अब बेचारे की उम्र भी कितनी होगी, और 100 साल तक उन्होंने तपस्या की। तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथन अनुसार अपना अभीष्ट निवेदन किया। मतलब पूरी स्टोरी बता दी कि भाई ये चक्कर है। तो रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, विप्रवर तुम प्रजापति होगे। मतलब उसको आशीर्वाद दे रहे कि भाई तू प्रजापति बनने वाला है, ठीक है, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी, तुम्हारे से प्रजा की सृष्टि होने वाली है, तुम प्रजापति होगे, प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकारों का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री की प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। अब देखो, अब उनको बोल दिया कि भाई तू प्रजापति बनेगा, ठीक है, तो तेरे घर मनु भी पैदा होने वाला है, ठीक है, तो अभी तू स्त्री की कामना करो, तुम्हें स्त्री जरूर मिलेगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ भी होगी, तो तुम अब स्त्री की प्राप्ति के लिए अब तुम किन की पूजा करो, पितरों की पूजा करो। अब ये पूरे संसार में पितरों की पूजा का ये सिस्टम कहाँ से चालू हुआ, ये गजब की बात है। तो वो सिस्टम वहाँ से चालू हुआ है, आज से नहीं है, पूर्व 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 समय से है। क्योंकि अब देखो पितरों ने कैसे कैसे प्राप्ति कराई इन महाराज को, ये ऋषि को, ये स्टोरी सुनते सुनते बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बोल दूंगा, सुनते जाओ। तो पितरों का पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी बोल के गया। ब्रह्मा जी को तो सब पता था, फिर भी उन्होंने कहा, जा भाई तू पितरों का पूजन कर, वो तुझे कुछ देंगे, वे ही प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। कौन करेंगे, पितर करेंगे, ठीक है। भला पितर संतुष्ट हो जाए तो वे क्या नहीं दे सकते। अरे ब्रह्मा जी ने क्या मस्त उसको आइडिया दिया। आज तक चल रहा है ये रिवाज। ब्रह्मा जी ने बोला, भला पितर संतुष्ट हो जाए तो वो तुम्हें क्या नहीं दे सकते। तो उनको आइडिया दे दिया। अब उनकी बारी। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने अव्यक्त जन्मा, अव्यक्त जन्मा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयमचित हो नीचे लिखे स्त्रोत द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। अब जो है नीचे एक पूरा लंबा पैराग्राफ है, उसमें पितरों को खुश करने के लिए, उनको मनाने के लिए जो बात लिखी है वो जरा ध्यान से सुनी। हाँ, तो रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवताओं के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पहले उन्होंने प्रणाम किया। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्ध के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, अत्यंतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गृहस्थ भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्य गण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्ध में श्रद्धापूर्वक
पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजाप्रत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है जी। तपस्या करने से जिनकी पाप धुल गए हैं, क्या तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नौष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों के द्वारा विधिपूर्वक श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोगों को अभीष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वैश्य पूज्य धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्रद्धा द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात है, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्रद्धादों द्वारा जिन श्रद्धा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसाताल में संपूर्ण भोगों एवं श्रद्धा से जिनकी पूजा करते हैं तथा मंत्र और मंत्र भोग और सम्मतियों से पूज्य सर्पगण भी रसातल में ही विधिपूर्वक श्राद्ध करके जिनकी सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ बीच में रुकना चाहूँगा। देखो, पितरों की पूजा देखो एक मनुष्य भी कर रहे हैं और रसातल में रहने वाले, देखो ये हमें दूसरा प्रूफ मिल रहा है कि रसातल में जो नाग गण रहते हैं, जो मनुष्य भी है और नाग भी है, ठीक है, आधे मनुष्य आधे नाग भी है, और जो राक्षस भी है, जो असुर भी है, वो भी अपने पितरों का पूजन करते हैं, ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आज की बात नहीं है, कई अरबों खरबों साल पुरानी बात है। तो इनकी बात आई, अब आगे, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ जो साक्षात देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं। देखो कितनी गजब की बात है, क्या जो देवलोक में है, देवलोक में है, जो अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में भी है, और जो धरती लोक पर भी है भूतल में, मतलब घरों में भूत प्रेत बन के बैठे हैं, अब उनकी बात आ रही। देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, क्या देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देवताओं भी पितरों को नमस्कार करते हैं, उनकी वो भी पूजा करते हैं, असुर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। ठीक है जी, चलो आगे। उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए इस जल को ग्रहण करें। अब उनको जब जल चढ़ा रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि भाई मैं जल चढ़ा रहा हूँ, इसको आप ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितर, अब ध्यान से सुनना वो लाइन आ रही है जो बता रहा हूँ, जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं। अब देखो कमाल की बात आई, क्या जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं, जो समस्त कलेशों से छुटकारा दिलाने हेतु तथा योगीश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो बात आई है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमान में निवास करते हैं, ये देखो जी ये लिखा हुआ पढ़ लो, ठीक है, ग्रुप में ही मैंने फोटो भेजी है। अब विमान में निवास करने वाली बात, अब ये सामान्य प्लेन की तो बात नहीं है, नहीं है, हाँ ये उस ज़माने की प्लेन की तो बात नहीं है, तो ये कौन सा विमान है? तो ये विमान है, ये छोटे छोटे गोले बना के ये भूलोक भूगर्भ लोग और स्वलोक से नीचे नीचे ये पितृगण जो है अपने खानदान के ऐसे गोले होते हैं, जैसे हमारा एक कबीला होता है, गांव होता है जिसमें हमारे खानदान के लोग रहते हैं, मतलब हमारे चाचा मामा ताऊ, मामा नहीं इधर चाचा की बात है, मतलब फादर पक्ष के जितने भी है वो सभी दादा परदादा, उनके भी दादा उनके भी परदादा, ये सब जो है
एक खानदान के रूप में एक सूक्ष्म जगत में रहते हैं जो भूलोक और भूगोलोक के आसपास इनका रास्ता है। जो चंद्र लोग, जो चंद्र हमें दिखाई दे रहा है, जो चंद्र में भी रहते हैं गोले बना के, चंद्र के बाहर स्पेस में भी, अंतरिक्ष में भी रहते हैं, जैसे हमने दो रास्ते बताए थे ना, एक दो ऊपर स्वर्ग में, स्वर्ग से ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, तो उसमें ये विमान, तो ये विमान उनके जो गोले हैं वो अपने खुद के बना के वो उसमें अपने पितृलोक रहते हैं। यहाँ ये बताने की बहुत बड़ी बात है। जैसे बापू जी ने कल क्लास के अंदर बहुत बढ़िया बात करी थी कि सभी अभी बेहद की आत्माएं जो हैं वो अपने गोलों में जा रही हैं। 33 कोटि देवताओं का अपना एक विमान खड़ा है, उसमें जो वो 33 कोटि देवता वाली आत्मा है उसमें जाके रह रही है, और जो बेहद की आत्मा है वो बेहद के गोले में जा रही है। कोई 4 कला में है, कोई 10 कला में है, कोई बेहद की कला में पहुंच चुके हैं। एक मतलब बापू जी ने कल बताया कुछ 700 आत्माएं जो है वो 100 कला के गोले में पहुंची है, आई थिंक यही बात बोली थी। तो यहाँ पे हम पितरों की बात पे वापस आते हैं। जो अब आगे जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, ठीक है, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। अब ये किनकी बात कही है? काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। तो ये कौन समर्थ है, यहाँ पे ये समझ लो, ये हर पितृ समर्थ नहीं है। जिसने जीवन में पापी पाप किए हैं, जो गुंडा राज किया है, जो आतंकवादी है, जब वो पितर बनेंगे, ठीक है, जब वो अपने कब्रों में रह के पितर बनेंगे, ठीक है, कोई कहीं भी रह के पितर बनता है, तो उनकी आत्मा में 5 पैसे का पावर नहीं है, तो वो अपने खानदान में उन आत्माओं का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे अब किनकी बात कहिए, जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। क्या निष्काम पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाले, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब बहुत बड़ी बात है कि पितृ भी मोक्ष करने में तुम्हारी सहायता करते हैं, तो पितृ भी सूक्ष्म जगत में रह के उनके धरती, उनकी डायनेस्टी के जो भी आगे लोग धरती पे हैं उनको वो ज्ञान भी प्रदान करते हैं सूक्ष्म में, वो अच्छे गुरु से कॉन्टैक्ट भी कराते हैं, उनको जो चाहिए धन पैसा स्त्री जो भी चाहिए वो पितृ दिला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कौन सा मार्केट रिस्क, उन्होंने उनके अंदर वो आत्मा में, उनकी आत्मा में पावर होना चाहिए, जो दिव्य लोक में रहने होने चाहिए, जो अपने गोले के अंदर जो मूर्तिमान स्वरूप, यहाँ पे लिखा मूर्तिमान, ये बहुत बड़ी बात है। मूर्तिमान का ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो मतलब आकारी रूप में रहते हैं, मतलब निराकारी स्वरूप में तो नहीं पर आकारी रूप में रहते हैं, मूर्ति का जो स्वरूप है उसी प्रकार आकारी रूप में रहते हैं, और जो दिव्य लोक में रहने वाली ऑब्वियसली दिव्य आत्माएं होगी, प्रकाशमान स्वरूप में रहने वाली आत्मा होगी, ये उनकी बात की गई है। तो वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी वो मदद करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, वे समस्त पितर इस, हाँ क्या करते हैं, और निष्काम पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मतलब अगर हम निष्काम कार्य करते हैं तो पूर्वज भी हमारे ऊपर बैठे हुए हमें मोक्ष की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि वो मोक्ष मतलब ये आप रोज आते हो आपको समझ में आ रहा है, मैं अभी नहीं बोलूँगा, जो नहीं आते वो समझे, ठीक है। तो जो वो मोक्ष की प्राप्ति करके जो ऊपर के धाम में बैठे हैं, दिव्य लोक में बैठे हैं, दिव्य विमान में बैठे हैं, उन्होंने ऑब्वियसली काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दिया है, लेकिन वो अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनके कल्याण हेतु, जो मनुष्य बन गए उनके कल्याण हेतु वो रुके हुए हैं, उनके लिए बोला है कि वो मोक्ष की प्राप्ति भी करा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हो, क्या उन सभी को बोला कि मैं जो जल चढ़ा रहा हूं उससे सभी पितर तुम तृप्त हो जाओ। जो चाहने वाले पुरुष को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं, क्या जो चाहने वाले पुरुष को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं।
अब वो पितर जो है वो भोग भी प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, देवत्व इंद्रत्व तथा उसके ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। क्या बाप रे, कितनी बड़ी बात कही इन्होंने तो भाई, ऐसे पितृ तो कमाल के पितृ है। क्या बोला कि वो देवत्व भी तुम्हें प्रदान करेंगे, इंद्रत्व भी तुम्हें प्रदान करेंगे तथा उससे उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं। मतलब पितृ जिस लेवल में हो ऑब्वियसली वहाँ तक तो आपको ले जाएंगे, उससे ऊपर ले जाए ना ले जाए, परंतु यहाँ तक आपको ले जाएंगे। ये बहुत मस्त गजब की बात कही कि देवत्व भी तुम्हें दिलाएंगे, इंद्रत्व भी दिलाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट, उनके नॉलेज के ऊपर, उनकी आत्मा की स्टेज के ऊपर। अगर तुम्हारे पितृ ही कामी क्रोधी लोभी मोही और भोगी थे तो वो तुम्हें यही चीज दिला सकते हैं, क्योंकि वो भी यही चीज़ों की कामना कर रहे हैं। ये तो वो करा सकते हैं जो ऑलरेडी कामना से रहित हो चुके, उनकी बात है। ठीक है जी, यस बापूजी ने कल ही कहा ना कि 10 कला की पावर तुम्हारे आने के, तुम्हारे अंदर जब आएगी तब तुम अपने खानदान की आत्मा को भी तुम मोक्ष दिला सकोगे और उनका भी कल्याण कर सकोगे, उनकी मुक्ति भी तुम करा सकोगे। तो ये कल के एपिसोड में ये गजब की बात थी। तो चलो अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो देवत्व इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र पशु धन बल और गृह भी देते हैं, बराबर, ये सभी तुम्हें वो पितर तुम्हें देते हैं। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडलों में तथा श्वेत विमान में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न जल गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो। अब देखो ये आ गया श्वेत विमान, फिर से कह रहा हूँ श्वेत विमान, ये आपको पहले दिखा दूँ ताकि जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग देख लें। ये पढ़ो क्या लिखा है ना, आशा रखता हूँ मुझे उल्टा दिख रहा है पर शायद आपको सुलटा दिख रहा होगा। ठीक है जी, तो जो पितर इन चंद्रमा की किरणों में मतलब देखो, चंद्रमा की किरणें तो सूर्य का प्रकाश आने का रिफ्लेक्शन है, तो चंद्रमा की किरणों मतलब यहाँ से चंद्रलोक की जो 2 लाख किलोमीटर के ना 2 लाख है ना या 4 लाख किलोमीटर है चंद्र, यहाँ से आई थिंक 2 लाख माइल या 4 लाख किलोमीटर जो भी जितना भी दूर है, अच्छा सीधा दिख रहा है, वेरी गुड। तो जो चंद्र और पृथ्वी के बीच में जो डायमीटर है, जो भी डिस्टेंस है, उसमें पितर जो रहते हैं उनकी बात कही कि जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडल में। अब यहाँ बात आई कि सूर्य के मंडल की बात, 3,84,000, वेरी गुड। तो अब सूर्य के मंडल में भी पितृ रहते हैं, ये भी बात बहुत बड़ी है। देखो कितनी घुई बात आज हमारे सामने आ रही है, शास्त्रों के माध्यम से आ रही है। बापूजी ने तो सब बताया लेकिन शास्त्र भी हमें ये प्रूफ दे रहे हैं, मतलब मेरा मन कर रहा है चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कितनी मस्त बात लिखी है। ठीक है, तो अच्छा 3,84,400, वेरी गुड। तो जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य की मंडलों में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं। तो बापूजी बोलते हैं ना कि अलग अलग कला की दुनिया है, अलग अलग कला की लाइट है, अलग अलग प्रकाश की परम प्रकाश की दुनिया है, सब अलग अपने अपने गोले में रहते हैं, वो सफ़ेद प्रकाश के बने हैं। तो यहाँ पे ये श्वेत विमानों की बात आई क्योंकि वो विमान ट्रैवल कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए आज धरती लोक के मनुष्य को समझने के लिए उसको विमान कहा गया। क्योंकि विमान शब्द हमारी मेमोरी में आता है तब हमें लगता है कि वो उड़ के आने जाने वाली चीज़ होगी, तो ये वही है श्वेत विमान, मतलब सफ़ेद कलर का जो पुंज है जिसके अंदर ये पितृ भी रहते हैं, अपने धरती लोक से लेकर चांद तक और सूर्य लोक तक, अलग अलग मंडल में, अलग अलग लोक में रहने वाले उन पूर्वजों की बात कही। तो उन वह मेरे लिए अन्न जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो। तो अब ये महाराज उनको ये तर्पण कर रहे हैं। यस, बापूजी की बातें सिद्ध हो रही, कितना मज़ा आ रहा है ना हमें सुन के ये सब चीज़ें। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं जो आपको जो अन्न दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, गंध दे रहा हूँ आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो जाएं, ऐसा मैं संकल्प कर रहा हूँ। अग्नि में हविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, देखो बार बार बापू जी ने अपने वीडियो में कहा है कि इंद्र को खुश करने के लिए अग्नि के अंदर हविष डाला जाता है और उससे उनको एनर्जी मिलती है, और यही चीज़ यहाँ लिखी है। क्या लिखा है,
अग्नि में हविष्य का हवन करने से, अग्नि में हविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं, मतलब वो पितरों को, पितृ जो है ब्राह्मण के शरीर में, आपको पता ही होगा हिंदू रिचुअल्स के अनुसार ब्राह्मणों को बुलाया जाता है मृत्यु के बाद, और उनको जो खाना खिलाया जाता है पितृ तर्पण के दौरान, तो माना यह जाता है कि तुम्हारे पितृ उसमें प्रवेश करके जो आप खिला रहे हो, जो अच्छी अच्छी चीज़ें मीठा और ये सब चीज़ें खिला रहे हो, वो पूर्वज खाते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म तत्वों का गोला सफ़ेद विमान, ये सही लिखा। तो ये अग्नि में हविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं, तथा पिंड दान करने से जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, ठीक है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हो, मतलब वो अपने पितरों को कह रहा है कि भाई अब तृप्त हो जाओ, जो देवताओं से भी पूजित है, तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, मतलब श्राद्ध में जो दिए गए चीज़ें जो उनको बहुत अच्छी लगती है, और देवताओं से भी पूजित है, मतलब देवताओं के भी पूजनीय है वो, ये बहुत बड़ी बात है, वे पितर यहाँ पधारे। तो वो पितरों को वो वेलकम कर रहे हैं कि आ जाओ, मैं आपको जो दे रहा हूँ उसको ग्रहण करो, यस, मेरे निवेदन किए हुए पुष्प गंध अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो। अब जो उन्होंने खाने के लिए जो भी चीज़ें रखी हैं, तो वो कह रहे हैं कि आओ इसे ग्रहण करो और आप इसके निकट पहुँचो। वे पितर यहाँ पधारे, मेरे निवेदन किए हुए पुष्प गंध एवं अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो, जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, मतलब सबकी नहीं है, किनकी है, कुछ ही पूर्वज की बात कही गई है, जो अष्टकाओं में, वर्षों में, अंत में तथा अभ्युद्ध काल में भी पूजनीय है। अब बताओ ऐसे ऐसे काल लिखे जिसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर अब मान लेते चार ही काल है, तो उसी सभी कालों के अंदर पूजनीय है। वे मेरे पितर यहाँ तृप्ति लाभ करें, क्या वे मेरे पितर वहाँ तृप्ति लाभ करें, जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा में समान शांति धारण करके आते हैं, क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण निवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्ज्वलित क्रांति धारण करते हैं, तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प गंध धूप अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो वैश्वदेव पूर्वक समर्पित किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्ति हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तृप्त हो। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं। बताओ गजब की बात भाई, ऐसी बात तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। क्या कहा वो, ऐसे पितर की बात कही है, क्या करते हैं वो, जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, गजब नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्वातीत तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हो। बताओ इंद्र भी जिनके मतलब पूजा करता है, ऐसे देवताओं के भी पूजनीय हैं, असुरों का, भूतों का है, तो ये तो गजब की बात कही है, उनको यहाँ पे तृप्त करने की बात करी गई है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निवात, दो चार मिनट और लूँगा फिर हम योग करेंगे, 15 मिनट, भागना नहीं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निवात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे, बहिर्षद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करे, आज्यम नाम वाले पितर
पश्चिम दिशा की तथा सोमप सज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। मतलब चार टाइप के पितरु बताए गए हैं और उनको बोला कि चारों दिशा से मेरी रक्षा करो। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों भूतों पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करें। फिर से बोलूँगा, उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों भूतों पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करें। विश्वमुख आराध्य धर्म धन्य सुभानन भूतिन भूतिकृत और भूति ये पितरों के 9 गण हैं। कल्य तराश्रय कल्याता हेतु तथा अन्यज्ञ ये पितरों के 6 गण माने जाते हैं। वर वरेण्य वरद पुष्टिद तुष्टि तुष्टिद विश्वपाता तथा धाता ये पितरों के 7 गण हैं। महान महात्मा महित महिमावान महाबल ये पितरों के पाप नाशक 5 गण हैं। सुखद धनद धर्मद भूतिद ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 31 पितृगण हैं। मतलब 31 टाइप के पितृगण हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। बोलो, गजब की बात है ना? यस। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हो और सदा मेरा हित करें। तो ये अभी तक की पितरों को मनाने की पितरों की क्वालिटी बताई, पितरों के पितृ गुण बताए गए, पितरों की क्वालिटी बताई गई, वो कहाँ रहते हैं वो बताया गया, वो क्या करते हैं बताया गया, क्या दे सकते हैं क्या कर सकते हैं ये सब बताया। अब बाकी का काम जो है अब हम कल करेंगे, ठीक है? समय हमारा ख़त्म हो रहा है। अभी भी हमारे पास पढ़ने के लिए 4 पेज हैं, तो कल तो अगले 15-20 मिनट में ये पूरा हम कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी, बाकी का कल हम करेंगे। अब 15 मिनट के लिए सभी बेहद की आत्माएं साइलेंट में जाएं और परम शांति की अनुभूति करें और परम प्रकाश परम लाइट की अनुभूति करें। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सभी बेहद की आत्माएं, कल का एपिसोड भी मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब अपनी अच्छा, जो लास्ट में आए हैं उन लोगों को बोल दूँ ये वीडियो पहले से देखें, ठीक है जी, पहले से देखें। और जो लोग कल का वीडियो नहीं देखा बापूजी का लाइव, वो ज़रूर देखें, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, चलो फटाफट अपनी अपनी आँखें बंद करो बिना समय गवाए। एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने सभी पितरुओं को जो इस धरती लोक से हमारा कनेक्शन रहा है, जिस स्कूल के अंदर हमारा कनेक्शन रहा है पिछले 5000 वर्ष से, जो हमारे जीवन मृत्यु के चक्र में आए हैं, जो हमारे पूर्व सूक्ष्म जगत में बैठे हैं, कारण जगत में बैठे हैं, जो ऊपर की दुनिया में बैठे हैं, जो इस वक्त विमान में बैठे हैं, जो बेहद के विमान में भी बैठे हैं, जो 33 कोटि देवताओं के विमान में बैठे हैं, जो जहाँ पर भी पितृ लोग बैठे हैं, उन सबको हम संकल्प भेजते हैं, उन सबको हम एक डायरेक्शन भेजते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएँ एकदम निरसंकल्प होकर शांति से सबसे पहले आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। अब आज हम पितरों की कल्याण हेतु उनको संकल्प भेजते हैं। तो हमारी आत्मा भृगुटी में, हमारी आत्मा परम प्रकाश परम लाइट से जागृत हो चुकी है। हम सब बेहद की परम 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 महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है। हम सब परम प्रकाश परम लाइट की आत्मा है। आज के मेडिटेशन में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो तो भी इस मेडिटेशन को जरूर करिएगा। हम सभी बेहद की आत्मा आत्मस्वरूप में स्थिर हो चुकी है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापूजी हम सबको परम प्रकाश परम लाइट दे रहे हैं, बेहद की लाइट दे रहे हैं, बेहद का प्रकाश दे रहे हैं। उस परम शक्ति को हम अपनी आत्मा में उतार रहे हैं, अपने ओरा को परम प्रकाश परम लाइट से भरपूर कर रहे हैं।
सभी दिव्य आत्माएं संकल्प करें, जितने भी पितृगण हमारे पूर्वज इस वक्त स्थूल जगत में हैं, आकारी रूप में हमारे ही घर में बैठे हैं, चाहे वो निराकारी रूप में बैठे हो, आकारी रूप में बैठे हो, तो जो हमारे पितृ पूर्वज हमारे धरती लोक पे हैं, भूलोक में है, भूगर्व लोक में है, स्वलोक में है, तप लोक में है, जप लोक में है, जन लोक में है, ब्रह्मापुरी में है, विष्णुपुरी में है, शिवपुरी में है, जहाँ पर भी हमारे पितृ हैं, इन सभी सात लोकों में ऊपर या सात लोकों में नीचे कहीं पर भी है, उन सबको हम ये संकल्प कर रहे हैं कि हे सभी पितृ, अब आप जागृत हो जाएं, महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, सभी पितृगण अपने आप को जागृत करें। अभी तक जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की है वो जल्दी से जल्दी मोक्ष की स्थिति को धारण करें। हे हमारे पितृ, जहाँ पर भी आप हो, आप मेरे संकल्प को सुनिए, मेरे इस विचार को सुनिए। महापरिवर्तन के समय से पहले अपने आप को मोक्ष की स्थिति में ले आएं। इस समस्त दुनिया का आदि, मध्य और अंत के ज्ञान को संपूर्ण ग्रहण करें, सुने, समझे और स्वपरिवर्तन करें। जिस प्रकार हम इस वक्त धरती लोक में रह के हम अपना खुद का स्वपरिवर्तन कर रहे हैं, तो आप भी अपने स्वपरिवर्तन के ऊपर पूरा फोकस करें, क्योंकि आप भी तपस्या में हैं, आप भी तपस्या कर सकते हैं, आपके पास वो शक्ति है। हमें भौतिक लोक की, भौतिक जगत की, भौतिक वस्तु की कोई भी लालच नहीं है, भौतिक जगत की कुछ भी प्राप्त नहीं चाहिए, परंतु आप तृप्त होकर मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करें, आप जीवन मुक्त की ओर आगे बढ़ें। सूक्ष्म जगत में जहाँ मोक्ष का कार्यक्रम चल रहा है, मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जीवन मुक्ति का कार्यक्रम इस वक्त जो सूक्ष्म जगत में चल रहा है, धरती लोक से ऊपर बेहद के विमान में आत्माएं जा रही हैं, 33 कोटि देवताएं उस 33 कोटि विमान में जा रहे हैं। हे पितृ, आप जहां पर भी हैं, आप अपने आप को पहचान कर, ज्ञान की प्राप्ति कर कर अपने अपने यान में बैठें, अपने अपने विमान में जाएं। धरती लोक पे ये समय जब बदलेगा तो धरती लोक में तपस्या का समय नहीं रहेगा, इसलिए आपको इस धरती लोक को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ऊपर के लोक में जहाँ पे सभी पितृ रहते हैं, वहाँ पे आप योग्य गुरु की खोज करें, आप ज्ञान की प्राप्ति करें, बेहद के ज्ञान को सुनिए, समझिए, अपने मन को बदल लीजिए, क्योंकि अनंत जन्मों से मन बिगड़ा हुआ है, इस मन को सुधारने का समय आ चुका है। धरती लोक पे इतनी मोह माया है कि आप तपस्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ की स्थूल चीज़ों में मनुष्य फंसे हुए हैं, तो आप इस भौतिक जगत में ना फंस के आप हायर डायमेंशन में, ऊपर के लोक में जाने की कोशिश करें, बेहद के दादाजी का रूप धारण करें, आप उनको जानिए, पहचानिए। वो मोक्ष देने के लिए, वो मुक्ति देने के लिए सभी आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, आप उनका रूप धारण करिए, आप संकल्प करिए कि हमें भी मोक्ष प्रदान करें, हमें भी मुक्ति प्रदान करें, हमें भी जीवन मुक्ति प्रदान करें, ताकि धरती लोक पे आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है उससे पहले हम अपने अपने यान में, अपने अपने लोक में हम जा सकें, और जितने भी आपके ध्यान में, आपके कनेक्शन में और भी आत्माएं, जो पूर्वजों की आत्माएं जो जन्म ले चुकी हैं धरती पे, जो जागृत नहीं हो पा रही है क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र छोटी है, या जो महान अज्ञान में जी रहे हैं, उनका भी कल्याण करें, उनको भी ज्ञान का रास्ता दिखाएं, उनको भी सच्चे गुरु की ओर पहुँचाएँ, उनको भी मोक्ष का, मुक्ति का ध्यान दे, सपने में आके उनको
रहस्य समझाएं, कैसे भी करके उनका कल्याण करें, परंतु दूसरों का कल्याण करने से पहले अपने आप को, अपने उस दिव्य स्वरूप को एक बार जरूर देख ले, उसे धारण कर ले, ताकि आप दूसरे की सहायता कर सकें। इस मानव सृष्टि में जितने भी आपके कर्म बंधन से जुड़ी हुई आत्मा है, आप उन सभी का कल्याण कर सकें। जितने भी मानव अभी जागृत नहीं हुए हैं, उन तक ये ज्ञान पहुंच पाए, उन तक ये मैसेज पहुंच सके कि बेहद के महाकाल प्रलय से पहले सभी बेहद की आत्माएं जागृत हो जाएं। 33 कोटि देवताओं को जागृत करने का हमारा संकल्प, सभी पितृ लोग जो हायर डायमेंशन में हैं उनको भी मैसेज देने का हमारा संकल्प, इस ब्रह्मांड में, चाहे वो महाब्रह्मांड में हो, परमा ब्रह्मांड में हो, इस पूरे मल्टीवर्स में, क्योंकि ये मृत्युलोक बन चुका है, ऐसे अनंत गैलेक्सियाँ, अनंत ग्रह उपग्रह, ऐसी अनंत अनंत पृथ्वियाँ जो कि मृत्युलोक बन चुकी है, उसको इसके परिवर्तन से पहले सबको जागृत करने का हमारा संकल्प पूरा करें, हमारी ज्ञान से सहायता करें, हमारी योग में मदद करें, हमारे भौतिक जगत में जो भी आप कर सकें वो मदद करें, ताकि हम अध्यात्म के मार्ग में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें। हमारा एक ही लक्ष्य है, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, जीवन मुक्त जीते जी जीवन मुक्ति की अवस्था को पाना, जीते जी परम लाइट परम प्रकाश को पाना, जो कि हम संपूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेहद के हमारे दादाजी संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, परम महाशांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं, परम महाशांति की शक्तियाँ दे रहे हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, सभी को ये संकल्प करना है, ताकि आपकी डायनेस्टी में आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, आपके पितृ जहाँ पर भी हो, चाहे वो आपकी माता के खानदान से हो, आपके पिता के खानदान से हो, जो भी आपके कर्म बंधन से, जिसका आपका अभी भी कर्म बंधन है, उन सभी का, पूरे खानदान का कल्याण हो सके, सबकी आत्माओं को मुक्ति या मोक्ष मिल सके, और अगर वो ज्ञानी आत्मा है तो उनको परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान मिले, और सभी बेहद की आत्मा अपने अपने पूर्वज के लिए संकल्प करें, उनको याद करके उनकी फ़ोटो को अपने दिमाग में ले आएं, उनका नाम अगर पता है तो उनके नाम के साथ उनको संकल्प भेज सकते हैं, आप उनका अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो देख के उनको संकल्प दे सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ संकल्प करें और अपने पूर्वज को ये संकल्प भेज सकते हैं, ताकि वो अपनी आत्मा का जल्दी से जल्दी कल्याण करें, वो भी तपस्या करें, अपने अंदर पावर भरे, अपने कर्म बंधन को ख़त्म करें, और आगे नए जन्म के लिए, जन्म को न धारण करके अपने अपने विमान में स्थिर हो जाएं, परम लाइट परम प्रकाश की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएं। 33 कोटि देवताओं को जगाने में हमें मदद करें, 9 लाख बेहद की आत्माओं को जगाने में हमें मदद करें, ताकि जल्दी से जल्दी पितरों का कल्याण हो, बेहद की परम परम महाशांति सभी आत्माओं को प्राप्त हो, क्योंकि आने वाले समय में जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हम जन्म लेने वाले हैं, वो आनंद आने वाले समय में किसी को भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भौतिक जगत, मायावी जगत के अंदर काफ़ी उथल पुथल हो रही है, तत्वों में इम्बैलेंस हो रहा है, और सुख का नामो निशान ख़त्म होता जा रहा है। हे पूर्वज, हे पितृगण, आप जहाँ पर भी हो, आप जागृत हो जाओ, अब समय आ चुका है महापरिवर्तन का। समय को हमें पहचानना है, अगर हम समय को पहचान ना पाए तो समय ही हमें बर्बाद कर देगा, अगर हमने समय को पहचान लिया तो वही हमारी ऊर्ध्वगति को हमें लेके जाएगा, नहीं तो वो अधोगति में हमें लेके जाएगा। तो समय को पहचानिए, समय यही कह रहा है, समय कह रहा है स्व परिवर्तन, समय कह रहा है विश्व परिवर्तन, बेहद के बेहद का विश्व परिवर्तन। सभी पूर्वज, सभी पितर जहाँ पर भी आप हैं, जागृत हो जाएं,
अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत करें, अपने अंदर के अज्ञान को खत्म करें, अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करें। और समय आ चुका है अपने दिव्य विमान में जाने का, उन सबको मैसेज देने का जो मोक्ष के लिए ऑलरेडी कार्यरत है, जो अभी भी तपस्या कर रहे हैं, उन सबको ये मैसेज दे कि मुक्ति का कार्यक्रम चालू हो चुका है, जीवन मुक्ति का भी कार्यक्रम चालू हो चुका है, सभी मोक्ष के लिए तैयार हो जाए, सभी उस समय का इंतज़ार करें, लेकिन उससे पहले अपने आप का स्व परिवर्तन करें। तो सभी बेहद की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं, आप अपने खानदान की सभी आत्माओं के कल्याण के लिए ये संकल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त जो आपके रिश्तेदार हैं, जो अभी मनुष्य अवतार में हैं, जो अभी जागृत नहीं हुए, जिन्होंने अपनी जागृति नहीं की है, जो आपके बेटा बेटी, आपके पोतरे पोतरी, या जो भी आपके रिश्तेदार भाई बहन चाचा मामा जो भी है अभी जीवित है, जो मोक्ष के लिए, जो मोक्ष के शब्द में विश्वास रखते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अध्यात्म में विश्वास कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि उन सबको ये पता चले कि पितृ शब्द तो बहुत सुना, लेकिन वो क्या है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और हमें उनके लिए हमारी अंतिम ड्यूटी क्या है, कैसे हम आत्मा की जागृति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, मुक्ति को प्राप्त हो, और जीवन मुक्त अवस्था को हम कैसे प्राप्त करें, ऐसा हम सबको संकल्प करना है, सबको जगाना है, सबको ज्ञान पहुंचाना है। और ज्ञान से ही सभी का कल्याण होगा, ज्ञान से ही सभी मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, बिना ज्ञान कोई भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे वेदों का सनातन धर्म में जो ज्ञान दिया गया है वो अंतिम और फाइनल है, और यही सनातन सत्य है जो कई करोड़ों साल से मनुष्य की जागृति के लिए दिया गया। लेकिन अब महाकाल प्रलय का समय आने से पूर्व हम सभी जागृत हो जाएं, सभी को जागृत करें। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें खोलें, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर से दुनिया तक पहुंचाइएगा, ये आई ओपनिंग वीडियो है, आने वाले समय में बहुत सारी आत्माएं इस वीडियो को देख के जागृत होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में हमसे जुड़िए। अभी तक 493 एपिसोड हो चुके हैं, और सभी वीडियो के अंदर विशेष ज्ञान दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, दुनिया तक ये ज्ञान पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम शांति।